टाइगर 3 फिल्म के एक्टर्स की फीस में है बहुत बड़ा डिफरेंस। अच्छे एक्टर्स को नहीं मिलता बहुत ज्यादा पैसा। कटरीना कैफ। टाइगर फिल्म के पिछले दो पार्ट्स में कटरीना कैफ को ISI एजेंट जोया का किरदार निभाते हुए देखा गया था, और अपने रोल को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने दोबारा इस फिल्म में टाइगर की पत्नी और एक्स ISI एजेंट का किरदार निभाते हुए देखा गया है। इतना ही नहीं कि आपको पता है ये फिल्म कटरीना कैफ और सलमान खान की साथ में की गई 9th फिल्म है। टाइगर 3 में लीड किरदार निभाने के लिए कटरीना कैफ ने 15 से 21 करोड़ के बीच की फीस चार्ज की है। रणवीर शौरी। रणवीर बॉलीवुड के उन अच्छे एक्टर्स में से हैं जिन्हें भले ही बॉलीवुड में बहुत ज्यादा नाम कमाने का मौका भले ही ना मिला हो, लेकिन उन्होंने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर हिट्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, जैसे भेजा फ्राई, ट्रैफिक सिग्नल, खोसला का घोसला और मिथ्या जैसी फिल्म शामिल हैं। टाइगर 3 में उन्होंने रॉ एजेंट गोपी आर्या का किरदार अदा किया है। इससे पहले भी उन्हें 2012 में एक था टाइगर में देखा गया था, जिसमें उन्होंने टाइगर के हैंडलर का किरदार निभाया था। कहा जा रहा है कि टाइगर 3 के लिए उन्होंने 50 लाख रुपए की फीस चार्ज की है। इमरान हाशमी। जहां तक बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी को सिर्फ उनके रोमांटिक रोल्स के लिए जाना गया है, वहीं इस फिल्म के जरिए उन्होंने विलन के रूप में एंट्री ली है। हालांकि इससे पहले विलन के लिए ऋतिक रोशन और आमिर खान जैसे बॉलीवुड एक्टर्स के भी नाम सामने आए थे, लेकिन इमरान हाशमी का इस किरदार के लिए चुना जाना फैंस के लिए काफी सरप्राइजिंग था। इस फिल्म में उन्होंने एक्स ISI एजेंट आतिश रहमान का किरदार प्ले किया है, जिसके लिए उन्होंने 7 से 8 करोड़ रुपए की फीस तक डिमांड की है। रिद्धि डोगरा। पहले जवान और अब टाइगर 3 में एक अहम किरदार निभाने वाली रिद्धि डोगरा धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाती जा रही हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के दोनों ही खान्स के साथ काम करने वाली रिद्धि डोगरा को इस फिल्म में इमरान हाशमी की पत्नी शाहीन बाग का किरदार निभाते हुए देखा जाएगा। इस रोल के लिए रिद्धि डोगरा को 30 लाख रुपए की फीस दी गई है। आशुतोष राणा। वैसे तो इस फिल्म में कई एक्टर्स को कैमियो रोल में देखा जाने वाला है, जैसे कि शाहरुख खान और ऋतिक रोशन, पर क्या आपको पता है कि उनमें से एक आशुतोष राणा भी हैं? जी हां, इस फिल्म में कर्नल सुनील लूथरा के रूप में कैमियो अपीयरेंस देने वाले आशुतोष राणा ने अपने रोल के लिए 60 लाख रुपए की फीस चार्ज की है। सलमान खान। टाइगर फिल्म फ्रेंचाइज के लीड एक्टर सलमान खान इस फिल्म की जान है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक सलमान खान की फीस के बारे में सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। इस फिल्म में अविनाश सिंह राठौर उर्फ टाइगर का रोल अदा करने वाले सलमान खान को एक रॉ एजेंट के रूप में देखा गया है, जिससे फैंस काफी पसंद करते हैं। जहां इस फिल्म के पहले पार्ट के लिए 100 करोड़ रुपए से ऊपर की फीस चार्ज की थी, वहीं इस फिल्म के लिए उन्हें कितने पैसे दिए जाएंगे ये तो जनता ही तय करेगी। कहा जा रहा है कि इस फिल्म की 60% कलेक्शन सलमान खान को दी जाएगी। इस लिस्ट में आखिरी एक्ट्रेस है रेवती। तमिल और मलयालम फिल्मों में अपने काम के लिए जाने वाली एक्ट्रेस रेवती को उनके बॉलीवुड में किए गए इम्पैक्टफुल रोल्स के लिए काफी पसंद किया गया है। फिल्म टू स्टेट से जाने वाली एक्ट्रेस ने टाइगर 3 में रॉ की चीफ मैथिली मेनन का किरदार अदा किया है, जिनके लिए उन्होंने 35 लाख रुपए की फीस चार्ज की है।